नीलांजलम समाभासम रविपुत्रो यमाग्रजम छाया मार्दंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। वेब दुनिया के धर्म चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। शनि का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय व्याप्त होने लगता है। साढ़े साथी अढ़ैया जैसे नाम शनि के साथ में जुड़े हुए हैं। शनि को कूट ग्रह माना जाता है। क्या वाकई शनि इतने पीड़ादायक होते हैं? शनि के बारे में कुछ भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। ऐसी ही भ्रांतियों और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं गजासीन पीठाधीश्वर और इंदौर धर्माचार्य परिषद कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री दादू महाराज। शनि को लेकर लोगों में इतना भय क्यों है? शनिदेव दुनिया के एकमात्र ऐसे देव हैं जिनकी सब लोग डर के पूजा करते हैं, भय से पूजा करते हैं। बाकी जितने भी देवी देवता हैं, उनकी हम लोग श्रद्धा से और अंदर जो विश्वास है, भाव है, भक्ति है, उनसे पूजा करते हैं। लेकिन शनि ही एकमात्र ऐसे देव है जिनसे हम लोग डर के पूजा करते हैं। इसमें मुझे कतई बुरा नहीं लगता है कि इसमें हम लोगों का भी कुछ एक योगदान रहा होगा जिसके कारण सब लोग शनि से डरते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब शनि की साढ़े साथी आती है या ढैया आता है तो इसको इस प्रकार से महिमा मंडित कर दिया जाता है कि आदमी जो आम आदमी रहता है वो शनि के नाम से घबरा जाता है, डर जाता है कि साढ़े साथी आ गई, अर्थात हमारा पूरा ही अब जो भी है कल्याण तो होना ही नहीं है और जो हमारे पास है उसका भी नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहला कारण शनि का यही है कि जो ज्योतिषी है जो थोड़ा सा पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं वही डरा देते हैं। या एक ये भी कह सकते हैं कि शनि एकमात्र ऐसे देव रहे जिनके मंदिर बहुत कम नजर आते थे। अभी कुछ वर्षों में जिस प्रकार से मीडिया का सहयोग रहा है और ज्योतिषियों का और पंडितों का, संतों का इसमें योगदान रहा तो मंदिरों की भी संख्या बढ़ने लगी, तो इनके पास लोग ज्यादा भी जाने लग गए। तो पहला कारण ये है कि यदि हम जिनके पास ज्यादा जाते नहीं है तो उनसे डरते हैं, तो अब यह जो भय वाली प्रवृत्ति है ये धीरे धीरे कम होते जा रही है। शनि की पूजा किसे करनी चाहिए और किसे नहीं? शनि की पूजा जिस प्रकार से है, जिनको साढ़े साथी है, जिनको ढैया है, या जिनको शनि की महादशा चल रही है, या शनि की जैसे को क्रूर दृष्टि है, या शनि कहीं पे पत्रिका में कमजोर है, तो इनको तो पूजा करनी ही चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग अध्यात्म में उन्नति चाहते हैं उनको भी शनि की पूजा करना चाहिए। जो राजनीति में है उनको भी शनि की पूजा करना चाहिए। जो न्यायचित कार्यों में संलग्न है, जिनके व्यापार है या जिनका सर्विस शनि के संबंधित है, अर्थात यदि वो न्यायालय में सर्विस करते हैं या न्यायाधीश हैं या जज हैं या वकील हैं या पुलिस में हैं, ऐसे जो सभी लोग जो न्याय से संबंधित कार्य करते हैं उनको भी शनि की पूजा करना चाहिए। इसके साथ साथ ऐसे सभी लोग जो शनि से संबंधित व्यापार करते हैं उनको भी शनि की पूजा करना चाहिए। और शनि से संबंधित व्यापार तेल होता है, लोहे का होता है, कंप्यूटर का होता है, इस प्रकार जिससे भी सब काली वस्तु है जिसमें भी आती है वो सब शनि से संबंधित है। वो डामर हो या वो सब दवाइयां हैं ये भी शनि से संबंधित है। पेट्रोल हो, दवाइयां हो, डीजल हो, ये सब शनि से संबंधित है। इन सब चीजों में शनि की पूजा हमें करना चाहिए। इसके साथ साथ ऐसे सभी लोग जो शनि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उनको भी शनि की पूजा करना चाहिए, साधना करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, शनि चालीसा पढ़ना चाहिए। दर्शकों ये थे हमारे साथ में शनि साधक दादू जी महाराज जिन्होंने हमें शनि से संबंधित पूरी जानकारी दी। महाराज जी आपने अपना समय दिया और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका धन्यवाद।